बात करेंगे फासिनिया R7। ये चाइनाज़ का एक प्रोडक्ट है जो कि चाइनी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रही है, और ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, एक हैशबैक गाड़ी है और जल्दी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, अच्छे फीचर्स मौजूद हैं इस गाड़ी में। आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। इसमें गाड़ी में आपको मिलता है ये जो एलुमिनियम अलॉय, 5 इंच इसकी स्टील क्रोमिंग प्लेट्स इसमें यूज़ की गई हैं। इसकी काफ़ी उम्दा शेप है, ये ज़मीन से काफ़ी ऊंची है। इसके बैक पे आप देख रहे हैं, और इसकी हेडलाइट्स क्रोमियम मोट प्लेटेड हैं, और फॉग लाइट्स भी इसमें यूज़ की गई हैं, और इसमें आपको अपर लेयर भी काफ़ी अच्छी एंड स्मूथ नज़र आ रही है आपको। बैग में इसमें सेंसर यूज़ किए गए हैं पार्किंग के लिए, और कैमरा भी इंस्टॉल है इसमें, और फ्रंट में भी जब डस्ट वगैरह स्क्रीन पे पड़े तो ये ऑटोमेटिक सेंसर इसमें मौजूद हैं जो कि वाइपर्स को कहते हैं आप स्वीप कर लो। इंटीरियर डिज़ाइन की बात की जाए तो इंटीरियर में इसमें जो है ना इसका स्टीयरिंग व्हील, इसमें भी काफ़ी फंक्शंस ऑटोमेटिक फंक्शंस इसमें यूज़ किए गए हैं, और डोर ऑटोमेटिक लॉक हैं, मिरर्स भी ऑटोमेटिक हैं, और सीट्स भी इसमें 5 सीटेड गाड़ी है, ये काफ़ी अच्छी सीट्स यूज़ की गई हैं, पैराशूट सीट्स इसमें यूज़ की गई हैं, और 5 इंच LED डिस्प्ले यूज़ किया गया है। अगर इसकी बैक की बात की जाए तो 600 टन इसकी बैक की कैपेसिटी है, इसमें आप इतना सामान ये इतना वज़न सपोर्ट कर सकती है, और 16 लीटर इसमें इंजन यूज़ किया गया है आप, जिसमें 6.2 लीटर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर सकती है ये गाड़ी। इंजन में काफ़ी अच्छी इसकी कैपेसिटी है ये, और शेप भी काफ़ी अच्छा किया गया है जो कि लुक को इन्हेंस करता है। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर पर स्पीड है इसकी मैक्सिमम, और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 5 गियर्स मैनुअल ट्रांसमिशन है ये गाड़ी, और दर्शक मैं आपको बताया कि 9 इंच LED डिस्प्ले यूज़ किया गया है इसमें, और जो कि एक अच्छा व्यू देता है। इसमें आपको मैक्सिमम 3 कलर दस्तियाब होंगे, रेड, ब्लू, और इसमें आपको ब्राउन कलर भी मौजूद है। इसमें गाड़ी काफ़ी अच्छी लुक है गाड़ी की, बम्पर्स, टायर्स एलुमिनियम अलॉय यूज़ किए गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल, शुक्रिया।